लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टिविटी को समझा था, रेजिस्टेंस देखा था क्या चीज़ होती है, और रेजिस्टिविटी जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है किसी भी कंटेनर के, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन करे थे। तो मैंने उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए पहले ही एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज हाफ एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन इनिशियली द रेजिस्टेंस इज आर ऑफ द वायर। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें दे क्या रखा है, पहले से ही रेजिस्टेंस दे रखा है आर। ठीक है, तो वो इनिशियल कंडीशन है ना। तो आर वन आ गया तुम्हारा आर, ठीक, और आर टू, यहाँ पर आर टू की बात जब आती है तो आर टू केस में क्या करा इसने, लेंथ को L by 2 कर दिया। अब मैं पहले केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस जब मेरा R है, मैं ऐसा फॉर्मूला ले लेता हूँ कि लेंथ क्या होगी L और एरिया होगा A। लेकिन जब मैंने R2 की बात करी, अब यहाँ पर लेंथ कर दी L by 2 और एरिया कर दिया 2A। ये तो बात समझ में आ गई। तो तुम्हें क्या करना है, L by 2 और 2A लिखना है। ठीक, अच्छा, उसके बाद रो लिखो। रो तो जो होगा वो सेम होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो सेम मीडियम है, सेम वायर है, तो रो की वैल्यू सेम होगी। तो L by 2 अपॉन 2A। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन नीचे वन मान लो, ये इसकी इम्प्लाई से, इसकी इम्प्लाई से, तो R2 आया रो L by 4A। ठीक, तो इसको अगर मैं दोबारा से लिखूं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, डॉट वन अपॉन फोर। अब देखो रो एल बाई ए क्या था, आर। तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में भी करा था, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो जाना चाहिए था। नहीं भी हुआ तो यहाँ पर देख के समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस आ जाएगा वन अपॉन फोर आर, क्योंकि जो इनिशियल आर दिया था, तो ये मेरा फाइनल रेजिस्टेंस हुआ। तो अब ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, पुरानी ईयर्स देखोगे तो भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का तुम्हें जो कंसेप्ट है वो समझो, कैसे करना है, इनिशियल फाइनल कंडीशन क्या दे रखा है, उसको यूज़ करके वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक, तो आज की क्लास में हम आगे का डिस्कस करते हैं, रेजिस्टर्स तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में है कि सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि इसका यूज़ क्यों है, हम ये क्यों कर रहे हैं, कि हमने क्या समझा। पहले ये समझो कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जैसे मेरे रेजिस्टेंस है तो इनका कुछ कॉम्बिनेशन हम आपस में लगाएंगे और फिर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब पहले बात ये समझो कि इसका यूज़ क्यों आया, कि हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सिस्टम ये सब क्यों देख रहे हैं। हमने सेल का देखा, सेल से मिला के बैटरी बन गई, स्विचेस का यूज़ देख लिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ लिया, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की ऐसा क्या यूज़ आ गया। तो इसको अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे अलग अलग जो इक्विपमेंट है उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, जैसे बल्ब, फैन, कूलर, या फिर हम एक और लगा सकते हैं साथ में ओवन। ठीक, तो जो ये है हमारे आसपास जो भी इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं तो उनका अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो जब इनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है हमारे घर में और उनका जो ये भी सप्लाई है और उन्हीं से हमारा जो है घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, और हम अलग अलग जो है अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, मिक्सिंग मिक्सर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन, जो भी हम यूजेस करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेट कर रही है, यानी कि इनके रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि मटेरियल अलग अलग यूज़ हुआ है। ओवन में डिस्कस करा था अलॉयज यूज़ होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने पे नहीं मेल्ट करते। कूलर में क्या यूज़ कर सकते हैं, मोटर यूज़ कर सकते हैं, हैवी मोटर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एनर्जी उसे ज़्यादा चाहिए। फैन भी यूज़ करते हैं, बल्ब में अलग ही होगा। तो यानी कि इनको अलग अलग रिक्वायरमेंट है करंट की, वोल्टेज की और रेजिस्टेंस की। तो वोल्टेज करंट तो हमें पता है, तो रेजिस्टेंस की इनकी वैल्यू सब में अलग होती है। तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या कंसेप्ट, कि रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन में कैसे इनका हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कितना हमें रेजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो पहला आता है रेजिस्टर इन सीरीज,
ठीक है, तो हमने जब सीरीज का पहले ही पढ़ लिया था कि सीरीज का मीन्स क्या, जो चीज़ लगातार होती है, मतलब लगातार चल रही है, यानी कि जो मेरे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, हम यहाँ स्विच ले लेते हैं, बैटरी भी लेते हैं क्योंकि बिना बैटरी के कैसे चलेगा ये सर्किट, ठीक है। एक एमीटर लगा देते हैं और साथ में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एमीटर किसमें लगा है, सीरीज में। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। क्योंकि वोल्ट मीटर अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो कुछ ये करंट ड्रॉ कर लेगा, उसके अंदर करंट जाएगा, तो जो हमारा एक्चुअल में होना चाहिए वोल्टेज वो कहीं ना कहीं कम नापेगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और अगर वोल्ट मीटर में वोल्टेज नापना है तो वो करंट कुछ अपने अंदर लेके हमारे वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर देगा, इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिर्फ अभी इतना समझना है। तो एमीटर हमेशा देखो सीरीज में, देखे करंट आया यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट जाता है, करंट यहाँ निकलेगा, ठीक है। अब इस सर्किट को तुम्हें समझना इस तरीके से है कि देखो ये आई यहाँ पे निकला, आई पूरा जाएगा इसमें से, गुजरेगा इस रेशन से जाएगा, इसको मान लो आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है। इसका डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये करंट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर आई की रीडिंग आएगी कुछ किस एम्पेयर होगा, ठीक। और यहाँ पे वोल्ट की मान लो वी वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब देखो हमने डिस्कस करा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट बोल रहे हैं। तो जो वोल्टेज मेरा इस वायर का होगा, सेम अगर वायर का जो वोल्टेज है वो इसका होगा, ठीक है। यानी कि जो वोल्ट मीटर में वैल्यू आ रही होगी वो इस वोल्टेज के बराबर होगी, V ये है तो ये भी वोल्टेज V का ही होगा, ठीक। लेकिन अब मेरे को पता है वोल्टेज और इसका जो रिलेशन है V इक्वल टू IR होता है ना, तो अगर रेजिस्टेंस मेरा अलग है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है तो करंट की वैल्यू अलग होगी, और उसके साथ साथ जो हमारा वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी अलग होगी। क्योंकि वोल्टेज देखो यहाँ पर तो सेम हुआ, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस नहीं इन्वॉल्व हो रहा, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो इनके जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग अलग होगी, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इनके अंदर करंट तो सेम जा रहा होगा आई, लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू है वो अलग अलग होगी। अब वोल्टेज की वैल्यू अलग है, देखो V यहाँ पर है, V सेम है, बस यहाँ पर V1, V2, V3 अलग है। यानी कि मेरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। यहाँ पर देखो वोल्टेज इसके बराबर आ गया V के, और ये V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो टोटल वोल्टेज होगा मेरा, ठीक। तो V इक्वल टू, अब देखो करंट हमारा क्या होगा, सेम आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। कि हमने क्या बोला, जो करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट इससे पास होगा, तो इससे पास हो गया वही करंट इसमें पास होगा, और वही करंट इसमें पास होगा। समझने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस करंट की स्पीड को कम करता है, चार्ज फ्लो कम करता है, ना कि जो करंट जो है उसकी वैल्यू कम कर देगा। तो जो करंट है वो सेम पास हो रहा होगा, ठीक। आई आर वन, आप देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है वो आई आर हो गया, ये आई उसके अंदर भी आई करंट होगा, और आर जो है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अभी आर को समझो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक कुछ वैल्यू आएगी, वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो यहां पर आ गया आई ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये रेजिस्टेंस आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया सीरीज में कि डायरेक्ट एडिशन कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, करंट सेम होगा,
वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन वो पूरे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वी, यानी कि बैटरी की जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो इन सब के बराबर होगी, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब देखो वी वन के लिए करंट इसमें आई जा रहा है और आर वन क्या है रेजिस्टेंस, तो आई आर वन हो गया वी वन के बराबर, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर करंट आई जा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस आर टू है, तो वी टू हो गया, अब इसको अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, वी टू इक्वल टू आई आर टू, वी थ्री इक्वल टू आई आर थ्री, और यहाँ वी वन के लिए आई आर वन, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन आया, अब मैं यहाँ पर आई को कैंसिल कर सकता हूँ, तो आर हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो कि अगर अलग अलग अप्लायंसेस उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, उनको मैं सीरीज में कनेक्टेड करूं तो उनके सारे जो रेजिस्टेंस हैं वो ऐड कर जाएंगे, कैसे, सीधा एक समेशन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मैं आपसे बोलूं कि ये देखो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, तीन अप्लायंस है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, टू ओम, थ्री ओम, फोर ओम, ठीक है। पूरा सर्किट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसे कनेक्टेड है, साथ में एमीटर होगा और वोल्ट मीटर हम समझ सकते हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन में देखो, तो मेरे ये जो तीनों चीजें आर वन आर टू और आर थ्री, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तीन रेजिस्टेंस है, टू ओम का, थ्री ओम का, फोर ओम का, ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका अगर मैं ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालूं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, देखो सीरीज है एकदम लाइन से चल रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा टू प्लस थ्री प्लस फोर, यानी कि नाइन ओम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक। तो इसका यूज क्या है कि अगर अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो हम उनका रेजिस्टेंस डायरेक्टली एड अप कर देते हैं, ठीक। अब रेजिस्टर्स जो सीरीज में कनेक्टेड है उनको अच्छे से समझने के लिए हम एक दो तीन क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मींस, तो तुम्हें क्या समझ में आया कि इस तरीके से कुछ जो है हमारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। देखो विद ए 12 वोल्टेज पावर सप्लाई, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम स्विच यूज करो चाहे नहीं करो मैटर नहीं करता, पर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास है तो बना लो। तुम्हें बैटरी का सिंबल समझ में आता है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें देखो एक सेल ले रहा है, एक सेल ले रहा है, एक सेल, तीन सेल होंगे, ठीक। कुछ भी हो 12 वोल्टेज मान लेते हैं हम, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ये 2 वोल्टेज का होता है 3 वोल्टेज का, यहाँ पर हमें दे रखा है 12 वोल्टेज की वोल्टेज पावर सप्लाई है। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एंड ईच रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा इस रजिस्टर में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और उसके साथ साथ ये भी बताओ कि कितना वोल्टेज होगा अलग अलग मेरे रजिस्टर पे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब तुम्हें क्या समझना है, ये देखो R1 था, ये R2, ये R3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तुमने फॉर्मूला देखा था R1 प्लस R2 प्लस R3, कि मैंने जो नीचे एग्जांपल लिया था 2 3 4 9 आ गया था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिस्टम का पूरा, तो मतलब वही है कि ये रेजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है, तो वो आ गया 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कि 30 ओम, ठीक। तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। ये R है और ये R1, R2, R3, ठीक। आप देखो पूरे सर्किट में तुम्हें क्या दिख रहा है कि भाई करंट फ्लो कर रहा होगा, ये कुछ बैटरी आई करंट मान लो फ्लो कर रहा है, और ये पूरे रजिस्टर से आई फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि करंट सेम होगा, ठीक है। तो आई फ्लो कर रहा है और वो वापस बैटरी में नेगेटिव वाले पार्ट पे चला जाएगा, ठीक। आप देखो V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से, V इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से तुम, क्योंकि देखो जो टोटल वोल्टेज है वो इस वाले वोल्टेज का, वो इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा, और इस वाले का पूरा रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस क्या है 30 ओम,
कॉम्बिनेशन। तो तुम्हें वोल्टेज क्या दे रखा है 12 वोल्ट और करंट तुम्हें निकालना है और ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 30 ओम आया। क्या चीज समझ में आ रही है कि अगर सर्किट का पूरा तुम्हें करंट निकालना है तो तुम कोई एक रेजिस्टेंस नहीं यूज करोगे। तो यहाँ पर यूज आता है कि सीरीज के सिस्टम का हम क्यों पढ़ रहे थे कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है मेरे रेजिस्टेंस तो उनका हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें करंट पता लगाना है कि पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा। तो हम अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो करंट हो जाएगा 12/30 एम्पियर। ठीक, अब ये करंट हो गया। ठीक, और तुम्हें बताना है इन द सर्किट, तो करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट, यानी कि करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई 12/30 एम्पियर। ये बात समझ में आती है। उसके बाद एंड इन ईच रजिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक, तो मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब जितना सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उतना इस रेजिस्टेंस से जाएगा, उतना इस रेजिस्टेंस से जाएगा और उतना ही इस रेजिस्टेंस से जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे बोल रहा है कि एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी कि तो करंट तो सेम हो गया, पूरे रेजिस्टेंस में सेम होगा मेरा करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक बार कंफ्यूजन हो सकता है तो ध्यान से समझना इस चीज को। वहां पर मैंने एक पूरा बड़ा सा वोल्ट मीटर कनेक्ट करा था जो कि मेरे इनकी वैल्यू V1+V2+V3 की वैल्यू दे रहा था, और V1+V2+V3 क्या आ रहा था, मेरे पूरे वोल्टेज के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लूँ V1 रीडिंग है, V2 रीडिंग है और V3 रीडिंग है ना। तो V1 क्या था मेरा I into R1। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पूरा इक्विवेलेंट वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि भाई मुझे तो इसका वोल्टेज निकालना है इसके अक्रॉस। देखो एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो R1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये V1 जो कि वोल्ट मीटर बताएगा। अब मुझे इसी के लिए निकालना है, तो भाई करंट इसमें जा रहा है I। अब सर्किट में सीरीज में करंट सेम होता है तो करंट तो ये सेम ही रहेगा, यानी कि करंट सेम हो गया और रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, क्योंकि मुझे इसका वोल्टेज निकालना है, मुझे पूरे सर्किट का नहीं निकालना, तो वो तो पूरे सर्किट का है कॉम्बिनेशन, मुझे सिर्फ इसकी बात करनी है, तो इसलिए मैं R1 यूज करूंगा। तो V1 जब मैं निकालूंगा तो 12/30 × 5, तो ये मेरा आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, 5 से 30 और 2 डिवाइड करूंगा तो मेरे को V1 की वैल्यू मिल गई 2 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, और अब देखो कि जब मैं R2 के लिए निकालूंगा तो R2 के लिए V2 = I into R2। ठीक, तो V2 निकालना है। अब देखो करंट सेम होगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर भी 12/30 एम्पियर × 10। ठीक, तो मेरा ये आ जाएगा V2 सॉल्व होके 4 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 4 वोल्ट। देन V3 निकालना है, V3 के लिए I × R3 होगा क्योंकि रेजिस्टेंस R3 है। ठीक, अब करंट तो सेम है 12/30 × 15, यानी कि V3 आ गया मेरा 6 वोल्ट। ठीक, तो ये आ गया 6 वोल्ट। अब देखो तुम्हें क्या बात समझ में आ रही है कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। इसका मींस क्या निकल रहा है कि ये जो मेरी पावर की जो सप्लाई है, जो पावर की बैटरी है, जो भी सप्लाई दे रखी है इसने, इसका जो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके सम के बराबर लिखा था हमने कि V1 = V1+V2+V3, तो 12 वोल्ट आ रहा है 2+4+6। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब कि जो वोल्टेज की हमने बात लिखी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, तो वो इनका सम करके सही आंसर आ रहा है, यानी कि वैल्यूज हमने सही निकाली है। समझने की बात क्या है, पॉइंट की बात, कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, करंट सेम होगा, करंट सेम क्वांटिटी में फ्लो करेगा और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा। ये बात समझने की है, ये बात समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन एक बार बिना देखे दोबारा से स्क्रीन पोज करना, स्टार्टिंग पे जाना जब सिर्फ क्वेश्चन लिखा है,
और दोबारा खुद से सॉल्व करके देखना, सर्किट डायग्राम बनाओ, एक एक चीज समझो, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। सिंपल मल्टीप्लाई क्वेश्चन ऐसे करना होता है, प्लस एडिशन मल्टीप्लाई तुम देख रहे हो, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ चीज़ है समझने की, तुम्हें समझ में कितना आता है कि ये एक्चुअल में कैसे काम कर रहा होगा, पूरा सर्किट पूरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्या है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, ताकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं हमारे पास जहाँ पर हमें डायग्राम दे रखा होता है और फिर हमें उस डायग्राम को देख के समझ के कुछ वैल्यूज बतानी होती है कि वोल्ट मीटर या एमीटर की रीडिंग क्या होती है। अब कई बच्चे इस बार कंफ्यूज ये होते हैं कि जो एमीटर और वोल्ट मीटर में है उसमें हम साइन किस तरीके से ये लगाते हैं। तो सिर्फ ऐसे समझो कि भाई तुम्हें बैटरी का पता है, क्योंकि बैटरी ही क्या कर रहा है, करंट दे रहा है, वही साइन बताएगा। ठीक, अब देखो बैटरी प्लस है, अब यहाँ से प्लस जाएगा, इसके पास प्लस जाएगा, अब यहाँ पर एक कनेक्शन है तो ये पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर प्लस आ गया, और जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस प्लस, ठीक, यहाँ प्लस आ गया और ये दूसरा क्या हो गया, माइनस। अब इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई माइनस निकला, माइनस निकला, माइनस निकला, यहाँ पर क्या मिला, एमीटर, तो भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस, और जब ये माइनस है दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस चल रहा है, यहाँ पे क्या मिला भाई, वोल्ट मीटर, तो हो गया माइनस और दूसरा हो गया प्लस। तो चाहे तुम प्लस से जाओ तो ऐसे हो जाएगा, माइनस जाओ तो ऐसे हो जाएगा, पर साइन यही रहेगा कि ये वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और जब ये घूम के आएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये साइन ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें निकालनी है रीडिंग्स एमीटर की और वोल्ट मीटर की, यानी कि मुझे पहले बताना होगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वही मेरा एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक, तो अब मुझे पूरे सर्किट का करंट बताना है। ठीक, करंट बताना है और रेजिस्टेंस दे रखा है। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस और 2 ओम वाला रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है, करंट क्या है इसमें सेम होगा। ठीक, कभी कंफ्यूज ऐसे ना होना, क्योंकि ये वोल्ट मीटर के लिए कनेक्टेड है तो इसका तुम्हें मतलब नहीं समझना, मान लो ये है ही नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि वहां पर भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट करे थे समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कि वी है तो वो सिर्फ कनेक्शन के लिए है, जबकि ये मेरे क्या है, कनेक्टेड है सीरीज में। तो मैं इसे अगर R1 मानूं और इसको R2 मानता हूं तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R1 + R2, यानी कि 4 ohm + 2 ohm, यानी कि 6 ohm। तो पूरे सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या है, 6 ohm। तो मेरे को पता है कि सर्किट के लिए ये फॉर्मूला, अब ये वोल्टेज मेरा बैटरी क्या है, इसकी पावर सप्लाई या बैटरी जो भी चीज़ है वो 3 volt है इसकी वैल्यू, और करंट मुझे सॉल्व करना है लेकिन मुझे रेजिस्टेंस पता है 6 ohm है, तो ये करंट मेरा आ जाएगा 3/6 एम्पियर, यानी कि मैं इसे 0.5 एम्पियर लिख सकता हूँ या फिर 1/2 एम्पियर, एक ही बात है। ठीक, तो यान जब जो ये आई करंट होगा, तो हमने अगर सीरीज कनेक्शन को समझा है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो ये बात समझ में आती है कि भाई जो करंट आई में फ्लो कर रहा है इससे यहाँ जाएगा, सेम यहाँ करंट फ्लो करेगा, सेम यहाँ करंट फ्लो करेगा, और ये करंट फ्लो जब एमीटर में जाएगा तो एमीटर रीडिंग शो करेगा 0.5 एम्पियर। ये है भाई मेरे सर्किट का करंट। ठीक, दूसरी चीज निकालनी है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। आप देखो कि जब ये करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर होगा V1 मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये मेरा V2 होगा, है ना, ये मुझे निकालना है V2। तो V2 के लिए आप सिर्फ V2 निकालना है, V1 नहीं निकालना। तो V2 के लिए हमें क्या करना है कि करंट तो भाई सेम होगा और रेजिस्टेंस अलग है, तो IR2 कर दूंगा। करंट मैंने सर्किट में निकाल लिया है, करंट सेम होगा, जो सर्किट का है वही इस रेजिस्टेंस का होगा, तो 0.5 एम्पियर × 2 ohm, तो V2 आ गया मेरा 1 volt। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, लेकिन और अब मैं समझा रहा हूँ, कोई एग्जाम नहीं है तो तुम इतना करके मत समझो। हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, हम V1 निकाल लेते हैं। अगर मैं V1 सॉल्व करूँ तो तुम्हें पता है कि करंट क्या है 0.5 एम्पेयर और रेजिस्टेंस क्या है 4 ohm। ठीक है, तो V1 के लिए IR1 होगा
करंट सेम है 0.5 × 4 यानी कि 2 वोल्ट। तो दोबारा से तुम्हें क्या चीज समझ में आ रही है कि ये मेरा 1 वोल्ट है, ये मेरा आया सॉरी ये मेरा 2 वोल्ट है, ये मेरा 1 वोल्ट है। और देखो ये V1 प्लस V2 आ रहा है 3 वोल्ट। 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट करोगे तो 3 वोल्ट ही तो आएगा, यानी कि V1 प्लस V2 है V, जो मेरा पूरा पावर सप्लाई का वोल्टेज है। तो मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और वो कौन देगा, हमारी पावर सप्लाई या फिर जो भी हमें बैटरी हमने लगा रखी है सर्किट के अंदर। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेम उसी के तरह का था, बस इसमें डायग्राम तुम्हें खुद दे रखा है, तो डायग्राम समझ के कंसेप्ट समझो कैसे करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन समझो, है ना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आगे देखो, हाँ एक क्वेश्चन ये और है, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, तो बस आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, घर पे ट्राई करना, जब ये नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, और अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, उनकी भी ये हेल्प होगी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।